एमएलए गुबाया दे गनमैन ने किसानां नूं मारे तक्के ते कटियां गालां। अगों किसानां ने भी कीता सीधा चैलेंज, जे हिम्मत है तां पिंच वड़ के विखायो। ये सब देखते ही देखते हैं शहर च तड़थली मच गई। खेती कानूनों के विरोध के विच किसानां वल्लों अपने पिंडां च आउण वाले सारे राजनीतिक आगुआं दा लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस वेले ताज़ा खबर फाजिलका तो सामने आ रही है, जिथे फाजिलका दे पिंड राणा च एमएलए दविंदर गुबाया दा जोरदार विरोध होया। दरअसल जो एमएलए दविंदर गुबाया फाजिलका दे एक पिंड विच पहुंचते ने तो उथे किसानां दे वल्लों उन्हां दा घिराओ किया जाता है, जिन्हां नूं कुछ सवाल किए जाते हैं। पर किसानां दा कहना है कि सवालों के जवाब दिते बिना ही दविंदर गुबाया उत्थों भजते हुए नजर आए। जबकि किसानों का यह भी इल्जाम है कि दविंदर सिंह गुबाया ते उन्होंने गनमैना वालों उन्होंने गालां भी कड़ियां गई, इतों तक कि धक्का मुक्की भी की गई है। जिस वेले सारा विरोध प्रदर्शन होया तो बड़ी गिनती विच पुलिस भी तैनात की गई सी, जिंदी उत्थे किसानों के नाल बहसबाजी हो गई। एक बार तुसी भी मौके दी तस्वीरां ते नजर मारो। मौजूदा एमएलए है उसनू पिंड दे विच अपने घर रोटी ते बुलाया। असीं किसान जथेबंदी जो कि साढ़े संयुक्त मोर्चा दे वल्लों काल है कि असीं जो मौजूदा एमएलए हैं जां होर पार्टियां ने बीजेपी नूं छड़ के, बीजेपी का मुकम्मल तौर पर विरोध है। असीं उन्हां नूं पिंडां दे विच वड़न नहीं देवांगे, पर दूजे नूं पिंडां दे विच वड़न दित्ता जांदा है। यह साढ़े जो कि मौजूदा एमएलए ने इन्हां कोलों साडा हक बनता है आम वर्ग का, मजदूर का और किसान का, जो पिंडां दे विच रहिंदे आ, जिन्हां दे सिर ते ए एमएलए मंत्री बनते हैं, जिन्हां दीआं वोटां नाल बनते हैं, उन्हां दा हक बनता है कि इन्हां कोलों जो इन्हां ने साढ़े चार साल पौने पांच साल अज तो पहला राज कीता साढ़े उत्ते साडियां वोटां लै के, उहदे विच इन्हां ने साढ़े वास्ते की कीता, उहदा सवाल असीं पुछ सकदे आ। साडा हक बनता है आम लोगों का और उहनां दे सवाल पुछण वास्ते संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल दे प्रति जिवें दी तरह की उन्होंने कॉल है, उस तरह असी अज पिंड राणा की इकाई वालों किसान और मजदूर वीर ने सारे पिंड ने रल के इन्हों का घिराओ किया और एमएलए दविंदर सिंह गुबाया जी ने कुछ सवाल पूछने चाहे। पर होया की है कि उन्होंने जो पहले आए ने असी उस टाइम उन्होंने रोक के बेनती की कि एमएलए साहब साढ़े सवालों का जवाब दे दो कि तुसी साढ़े चार सालों पांच सालों की किया है। उदो भी उन्होंने पुलिस प्रशासन के थ्रू, क्योंकि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभाते हैं जो उन्होंने हुक्म मिलता है, एमएलए ने उन्होंने ऑर्डर देता कि इन्होंने धक्के मार के पासे कर दो। एमएलए दविंदर गुबाया ने सानू सारियां नू कुछ भी ना समझते हुए एक तिनके के बराबर धक्के मरा के साइड ते करता। असी फिर जो क्योंकि साडा जो मोर्चा है वह शांतिपूर्वक है, शांतिपूर्वक असी फिर खड़े रहे, नारेबाजी करना साडा हक है, असी कीता। असी एक घंटा उन्होंने उड़ीक की, उन्होंने उत्ते खाना खाधा, चाह पीती, बड़ी ऐश नाल अंदर बैठे रहे हैं। आम जनता नूं बाहर धुप च खड़वा के भी उन्होंने कोई मतलब नहीं आम जनता नाल। असीं उन्हां दी वेट कीती, उह वापसी ते आउणगे, शायद साडे सवाल सुण लैणगे। वापसी ते असीं फिर उन्हां दे पुलिस प्रशासन वल्लों सानूं विश्वास भी दवाया गया कि हुणे वापस आउणगे और तुहाडे सवालां दा जवाब जरूर देणगे। पर जदों आउण वापस आउण दे असीं फिर उन्हां नूं इह बेनती कीती कि एमएलए साहब साडे कुछ सवाल ने कि साडे वास्ते तुसीं की कीता उहदा जवाब दे दिओ। उन्होंने धक्के मार के गाला कढ़ते हुए इस पिंड चो बाहर निकल गया, भज गया चोरां वांगू। असी अज इहनू चैलेंज करदे आ दविंदर गुबाया एमएलए नू
अज तो तू आ गया क्योंकि तेरा विरोध नहीं सी साडे संयुक्त मोर्चे वालों काल नहीं सी आने वाले समय तेरा पूरा विरोध करांगे ठुकवा तेन पिंड च नहीं वड़न देंगे। सो यह सी साडी अज की मीटिंग जो कि पिंड वाले दे सामने सारे पिंड नूं धक्के दे के चला गया। आने वाले समय च मेरे वीरो जेकर राजनीतिक तौर पर इलैक्शन वास्ते वोटां मंगण आउंदा है इस चोर नूं असीं पिंड च नहीं वड़न देंगे। ये किसान यूनियन पीके यू डकौंदा इकाई पिंड राणा वालों असीं सारे साथी इस चीज़ का अज ऐलान करते और इहनूं चैलेंज करते। फाजिलका तो बलजीत सिंह मल्ली की रिपोर्ट। पंजाब के जलंधर शहर रैणक बाजार की शान फैंसी कलैक्शन के चारे पासे हो रहे चर्चे जिथों कोडियां दे भा खरीदो लग्जरी कपड़े लहंगा सूट शरारा गरारा प्लाजो सूट मैरिज सूट पार्टी सूट हर एक वरायटी मिलेगी आसानी दे नाल। जेकर खरीदना चाहते हो अपने मनपसंद दे कपड़े तो देर ना करो हुणे ही पहुंचो फैंसी कलैक्शन। यही नहीं तुसी भी इन्हां नाल जुड़ के नवा काम कर सकते हो शुरू ते कमा सकते हो लखां रुपए। वधेरे जानकारी लई हुणे करो संपर्क फोन नंबर 9888195703।